तो तुम्हें मालूम हो ही क्यों? ये सच बात है उरुज बेटा, तो अगर सलमान मेरी नानी का बेटा नहीं है तो फिर किसका बेटा है? हमारे एक रिश्तेदार है, उनका बच्चा है सलमान। तो सलमान को ये बात मालूम है? नहीं मालूम, और ना ही मैरीन को। अगर ये सच मैरीन को मालूम हो गया तो वो ये सहनी सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और अगर ये सच सलमान को पता चल गया तो उसकी तो शख्सियत ही बिखर के रह जाए। यानी मेरी समझ में नहीं आ रहा, मतलब पूरा घर झूठ बोलने की अदाकारी कर रहा है वसाई समेत? हाँ बेटा, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी हमारा साथ दो। और खामोश रहो, ये सच किसी को नहीं बताओगे तुम? Can you do that for me? रुच प्लीज, अल्लाह साईं रहम कर दे, इस घर में भूचाल आ जाएगा, सलसला आ जाएगा। वो तो कभी नहीं मानेंगी कि वो उनका बेटा नहीं है। कौन वसाई, कौन किसका बेटा नहीं है? वो जी, वो मैं तो अब मेरे बेटे की बात कर रही थी जी।
मेरा कोई बेटा नहीं है ना। अगर होता तो मुझे इस उम्र में इतनी मेहनत ना करनी पड़ती जी। वैसे वसाई, बेटे तो मुझ जैसी किस्मत वाली माओ के होते हैं, है ना? जी जी बिल्कुल ठीक कहा जी आपने। आप अपना काम शुरू कीजिए। जी तो तुम्हें मालूम हो ही गया। सच बात है रुच बेटा, तो अगर सलमान मैरी नाइंटी का बेटा नहीं है तो फिर किसका बेटा है? हमारे एक रिश्तेदार है, उनका बच्चा है सलमान। तो सलमान को ये बात मालूम है? नहीं मालूम, और ना ही मैरी को। अगर ये सच मैरी को मालूम हो गया तो वो ये सही सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पूरा घर झूठ बोलने की अदाकारी कर रहा है वसाई समेत। हाँ बेटा, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी हमारा साथ दो। और खामोश रहो, ये सच किसी को नहीं बताओगे तुम? कैन यू डू दैट फॉर मी? ऐसा क्या हादसा हो गया मैरी नांटी के साथ? कि वो सहनी तौर पर सलमान को अपना बेटा समझने लगी? इसका मतलब है कि मैरी नांटी अभी अपनी दुरुस्त सहनी हालत में है ही नहीं। और जब तक ये अपनी सही हालत में आएंगी तो ये सलमान की मामा नहीं रहेंगी। मगर कभी तो मैरी नांटी ठीक होंगी। और ये तो कभी भी किसी भी दिन हो सकता है। क्या ही बात है कि सलमान और मैं उन माओं के साथ रहते हैं जो उनकी अपनी है ही नहीं।
लेकिन मेरा दुख सलमान से बहुत बड़ा है। सलमान के तो हकीकी माँ बाप का पता है, लेकिन मेरे माँ बाप कौन है? ये तो किसी को मालूम ही नहीं।